सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है हमारे पास ऑल न्यू Hyundai i20 Facelift एंड आज है हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट द आस्टा ऑप्शनल। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट का रिव्यू किया था, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस पता नहीं चल पाए थे, बट आज आपको सभी चेंजेस पता चल पाएंगे। आज हम इसका ड्राइव रिव्यू भी करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि आपको i20 फेसलिफ्ट लेनी चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें एंड बिफोर स्टार्टिंग स्पेशल थैंक्स टू चित्तौड़ Hyundai चित्तौड़गढ़ द Hyundai डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द ऑल न्यू Hyundai i20 फेसलिफ्ट। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइजिंग के बारे में। सो i20 फेसलिफ्ट की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹6.99 लाख एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट एंड गोज अप टू ₹11.01 लाख एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट। इसमें एक नया वेरिएंट एड ऑन हो गया है जो कि है एरा बेस वेरिएंट, उसकी प्राइस है 6.99 लाख। तो i20 अब और ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है, बट अगर दूसरे वेरिएंट्स की बात करें तो उसमें आपको 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। सो ये थी बात इसकी। तो ये थी बात प्राइजिंग की, वेरिएंट्स की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं अपीयरेंस की। सो इससे पहले हमने इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट का रिव्यू किया था, उसमें ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं हो रहा था, बट इसमें आप देखेंगे जो फेसलिफ्ट है वो असली फेसलिफ्ट पता चल रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है, और ज़्यादा स्पोर्टियर हो चुकी है i20। एंड मतलब ये जो वाइट कलर है ये तो बहुत शानदार लगता है इसके अंदर, ये जो कॉन्ट्रास्ट लगता है ना ब्लैक एंड वाइट का, उसके अलावा ये जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं, सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ये थी बात इसकी। अब हम करते हैं इसका वॉक अराउंड एंड चेंजेस की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंज से, वो है ग्रिल। सो यहाँ पर अब आपको और ज़्यादा बड़ी ग्रिल मिल रही है, पियानो ब्लैक फिनिश में ये ग्रिल है। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है। सेकेंड चेंज की बात करते हैं तो ऑल न्यू बम्पर, यहाँ पे अब बम्पर का डिज़ाइन भी आपको नया मिल रहा है। ये सब चीज़ें नए एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए सिल्वर एलिमेंट मिल रहा है आपको। सो ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सो ये था सेकंड चेंज। थर्ड चेंज की बात करें तो वो है हेडलैम्प सेटअप। पहले यहाँ पे आपको मिलता था प्रोजेक्टर LED सेटअप, अब आपको मिलता है यहाँ पे LED सेटअप, बट इसमें आपको ये तीन ब्लॉक्स मिलते हैं। सो लाइट और ज़्यादा एनहांस होती है इससे और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो चुकी है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, LED DRL। यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको ये एयर वेंट मिलता है। सो ये एक बात है, बट यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता है। सो ये सब चीज़ें हैं। सो ये तीन चेंज तो यहाँ फ्रंट में ही आपको बता दिए मैंने। सो ये थी बात इसकी। अब हम चलते हैं यहाँ पर इंजन की बात करते हैं। सो इसका इंजन भी ओपन कर लेते हैं। सो लेट्स ओपन द इंजन भी। सो डिसेंटली हैवी यहाँ पे हुड मिल जाता है, इंसुलेशन नहीं है क्योंकि इंजन काफ़ी रिफाइंड है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 83 PS पावर एंड 114.2 न्यूटन मीटर टॉर्क। उसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश मिल जाती है एंड रिफाइनमेंट के मामले में यार Hyundai के पेट्रोल इंजन की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी स्मूथ ये इंजन मिलता है। अभी इसको हम ड्राइव करेंगे तब इसकी और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। सो ये थी बात इसकी। बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये क्रीजेज मिल जाती हैं, कर्व्स एंड क्रीजेज, जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो बड़ा चेंज है वो यहीं मिलता है, वो है एलॉय व्हील्स में। सो ऑल न्यू डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं अब आपको यहाँ पे, डुअल टोन में ये एलॉय व्हील्स हैं, Hyundai का लोगो भी है। टायर सेक्शन की बात करें तो 195/55 R16 का ये व्हील मिलता है आपको। फ्रंट के डिस्क ब्रेक हैं, कैलिपर सिल्वर पेंटेड है। सो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एलॉय व्हील्स, और ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं, मतलब प्रीवियस जो प्री फेसलिफ्ट था उससे ज़्यादा एग्रेसिव ये लग रहे हैं एलॉय व्हील्स। सो ये थी बात इसकी। यहाँ पे आपको ये ब्लैक फिनिश मिल जाती है, क्लैडिंग की तरह आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ नीचे की साइड ही मिलती है, थ्रू आउट द साइड प्रोफाइल नहीं मिलती है क्लैडिंग। सो ये भी है, i20 की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा काफ़ी अच्छी फिनिश में ORVM है इस पर, LED टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पडल लैंप आपको मिल जाते हैं एंड क्रोम फिनिश में यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भी ये क्रोम फिनिश मिलती है थ्रू आउट द विंडो प्रोफाइल एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एंड होती है, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे आपको प्लेन रूफ मिल जाती है, सनरूफ यहाँ पे आपको मिल जाती है, शार्क फिन एंटेना इसमें आपको मिल जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द साइड प्रोफाइल। यहाँ पे भी i20 की बैजिंग है एंड पीछे आ जाते हैं। सो
पीछे से भी कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि ये जो बम्पर है ये आपको बिल्कुल नया बम्पर मिल चुका है। अब इसमें देखिए ब्लैक फिनिश काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, वाइट कम है, सो डुअल टोन में ये बम्पर है, इन इवन ट्रिपल टोन में है, नीचे सिल्वर फिनिश भी है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है बम्पर देखने में। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा यहाँ पर मिल जाता है, आस्टा की बैजिंग है, i20 की बैजिंग है, Hyundai की बैजिंग है। उसके अलावा ये कनेक्टेड क्रोम यहाँ पर आपको मिल जाता है, LED टेल लैंप है, उसके अलावा सभी हेलोजन है, डीफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, हाई एंड स्ट्रॉब लाइट यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा इसका बूट स्पेस देख लेते हैं, सो इजी रिलीज़ यहाँ पे बूट मिलता है आपको, पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाती है, एंड स्पेस काफ़ी अच्छा है, लोडिंग लिप थोड़ा सा ज़्यादा है हालाँकि, एंड स्टील व्हील यहाँ पर आपको मिलता है, सो ये एक चीज़ है। उसके अलावा इसमें आपको बोस का म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है, सो ये सबसे प्रीमियम चीज़ है इसके टॉप वेरिएंट में, यहाँ पे आपको सब वूफर मिल जाता है। उसके अलावा आगे स्पीकर्स मिलते हैं, सिंगल सीट मिलती है, कोई 60-40 का स्प्लिट यहाँ पे नहीं मिलता है, पार्सल ट्रे मैंने बता ही दिया था, सो इसको बंद कर लेते हैं। सो पीछे से अपीयरेंस कुछ इस तरह का है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको i20 का ये फेसलिफ्ट कैसा लगा। अब हम आ जाते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है। सो अंदर भी चेंजेस हुए हैं, इंटीरियर यहाँ पे अब आपको ये ब्लैक एंड वाइट फिनिश में मिलने वाला है, सो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे इंटीरियर। सो ये थी बात इसकी, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाइट फिनिश है, ये ब्लैक फिनिश है, सभी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक हैं, यहाँ पे कुछ सिल्वर फिनिश दे रखी है, ये डोर ओपनर है, ये थोड़ी ग्रे फिनिश में है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, बोस का म्यूज़िक सिस्टम यू कैन सी, यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, कुछ सामान भी रख सकते हैं, सो डिसेंट स्पेस है। सीट्स के फीचर की बात कर लेते हैं, सीट में क्या क्या मिल रहा है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहा है, ओनली हेडरेस्ट हैं वो भी दो ही हैं। उसके अलावा आइसोफिक्स मिल जाता है फॉर चाइल्ड सेफ्टी, सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है वो एक बात है, बाकी 3 सीट बेल्ट ज़रूर मिल रही हैं आपको, सो सेफ्टी का ध्यान रखा है Hyundai ने। अब आ जाते हैं हम अंदर, सो स्पेस देख लेते हैं कितना है, सो हियर वी आर, अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, एंड नी रूम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, सो बैठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हैचबैक है तो ज़्यादा सफोकेशन भी नहीं होगा मुझे, जिस तरह से ये विंडो एरिया देख के लग रहा है अच्छा खासा विंडो एरिया आपको इसमें मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, रियर AC वेंट, यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, चार्जर अभी हमने यूज़ कर रखा है, हमारी बैटरीज चार्ज हो रही हैं, सो ये इसका सबसे बड़ा यूज़ है। उसके अलावा डुअल टोन फिनिश में ये सीट कवर मिलते हैं, ये आपको फैब्रिक सीट कवर मिलते हैं, सो ये भी काफ़ी अच्छा है फैब्रिक, यहाँ पे आपको वाइट एंड ब्लैक फिनिश मिल जाती है, सो दैट्स ऑल। हेडरूम की बात करें तो डिसेंट हेडरूम यहाँ पे मिलता है, और इसका डिज़ाइन भी पीछे से कुछ इसी तरह का दे रखा है कि आपको हेडरूम ज़्यादा मिले। सो ओवरऑल ये थी बात इधर की, अब हम चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ और वहाँ देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो हियर वी आर, इसकी चाबी निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, सो चाबी हमारे पास आ जाएगी, सो कुछ इस तरह की इसकी की मिलती है, प्रीमियम फिनिश में की है, डोर लॉक अनलॉक का स्विच है, उसके अलावा आप होल्ड करेंगे तो इसकी बूट रिलीज़ हो जाएगी। सो ये थी बात इसकी चाबी की, अब हम आ जाते हैं डोर पे, तो ये है फ्रंट डोर, डुअल टोन फिनिश में है, ब्लैक एंड वाइट, पावर विंडो के स्विचेज़ हैं, ORVM कंट्रोल करने के स्विचेज हैं, डोर लॉक अनलॉक के स्विच हैं, और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है, दिस इज़ समथिंग लेदर, ये लेदर है, बाकी सभी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक हैं। उसके अलावा 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं। सो ये थी बात इसकी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए सही से फैब्रिक दिख पाएगा, और ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दे रखी है। सो ये थी बात इसकी, 3 पैडल मिल जाते हैं एज दिस इज़ द मैनुअल वेरिएंट, यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, सो ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आप अपना बोनट ओपन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अंदर, अंदर बैठ के देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सो लेट्स कम इनसाइड। सो हियर वी आर, स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टियर स्टेयरिंग मिलता है विथ फ्लैट बॉटम। उसके अलावा ये जो डी सेक्शन मिल रहा है ये आपको कुछ नई चीज़ मिल रही है, ये भी एक छोटा सा चेंज है जो i20 फेसलिफ्ट में आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ सिल्वर फिनिश है, उसके अलावा यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, एंड MID को कंट्रोल करने का स्विच भी यहीं पे मिलता है आपको।
उसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल ये स्टेयरिंग है, बट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो ये थी बात इसकी। कमिंग टू द MID, सो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है एंड ये सभी चीज़ें फुली डिजिटल हैं। इधर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है, इधर डिजिटल टैकोमीटर मिल रहा है एंड बीच में आपको मिल रही है MID जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू कैन सी TPMS मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ से आप काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइट की, डोर की, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल एंड अदर फीचर्स, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आपको पता चल जाती है, इंस्टेंट फ्यूल आपका कितना यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस टू MT पता चल जाता है, यहाँ पे ओडोमीटर है, टेम्परेचर है, सो एवरीथिंग इज़ डिटेल्ड आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है Hyundai की कार्स की। ये थी बात इसकी। अब हम बात करते हैं फिट एंड फिनिश की। तो इंटीरियर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फिनिश में है, नीचे वाइट फिनिश है, ऊपर सभी चीज़ें ब्लैक दे रखी हैं, सो काफ़ी अच्छा ये कॉन्ट्रास्ट लग रहा है और फिट एंड फिनिश अप टू द मार्क है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ सूत सावल में यहाँ पे दे रखी है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे कनेक्टेड AC वेंट्स लग रहे हैं। उसके अलावा नाउ कमिंग टू द इन्फोटेनमेंट, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट मिल जाता है। इसके हम टच रेस्पॉन्स की बात करें तो डिसेंट टच रेस्पॉन्स हैं। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस के स्विचेज मिल जाते हैं, इधर भी क्विक एक्सेस के स्विचेज हैं। तो ये थी बात इसकी। बोस का यहाँ पे लोगो मिल जाता है, तो बोस का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है, दिस इज़ द मोस्ट प्रीमियम फीचर मुझे ऐसा लगता है इस i20 में। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे क्विक एक्सेस के स्विचेज हैं, यहाँ पे आपको एक ये डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है। उसके अलावा सभी चीज़ें यहाँ पे आपको चार्जिंग के सभी फीचर्स मिलते हैं, सी टाइप है, USB है, यहाँ से आप 12 वोल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। सो अपना फ़ोन रख के देख लेते हैं एक बार, सो देखते हैं चार्ज होता है या नहीं है। सो स्टार्ट हो चुकी है चार्जिंग। सो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, सी टाइप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, USB है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और वायरलेस है तो फिर कहना ही क्या। सो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द गेयरबॉक्स, तो यहाँ पे आपको 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको IVT मिलेगा जो कि बेसिकली CVT ट्रांसमिशन है। सो ये थी बात इसकी। पार्किंग ब्रेक यहाँ पे मिल जाता है, 2 कप होल्डर है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेस है, सेंटर आर्मरेस्ट इसमें मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी डिसेंट स्टोरेज मिल जाता है। कमिंग टू द ग्लव बॉक्स, तो डिसेंट फिनिश में ग्लव बॉक्स है और काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, सामान काफ़ी सारा आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, दीज आर द वैनिटी लाइट्स, इनको जला लेते हैं। सो ये वैनिटी लाइट्स हैं एंड यहाँ पे आपको वन टच ये सनरूफ मिल जाती है। सो हियर वी आर, सो काफ़ी अच्छा एरिया है सनरूफ का एंड इसको हम बंद कर लेते हैं, वन टच क्लोज भी ये हो जाएगी। सो दिस इज़ द सनरूफ और सारे प्रीमियम फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको मैनुअली डिमिंग ये IRVM मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। सो ये थी ओवरऑल इसके इंटीरियर की बात। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स एज ए स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, TPMS मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। सो ओवरऑल सेफ्टी पे काफ़ी ध्यान दिया है Hyundai ने और आगे भी देती रहेगी क्योंकि अभी Hyundai की वरना ने लेटेस्ट ग्लोबल NCAP में 5-star सेफ्टी सिक्योर करी है, तो मुझे लगता है अब Hyundai वालों को भी कॉन्फिडेंस है कि उसकी दूसरी गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। सो देखते हैं आने वाले टाइम में i20 फेसलिफ्ट का या किसी का भी टेस्ट होगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। अभी चलते हैं हम, इसका करते हैं ड्राइव रिव्यू और उसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉन्क्लूजन के बारे में। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द ड्राइव। सबसे पहले मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ, कुछ इस तरह का इसका हॉर्न है। इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा एक बार देखते हैं। सो कुछ इस तरह का रिवर्स पार्किंग कैमरा है, इसमें आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं और बहुत ही क्लियर विज़न है कैमरे का। तो ये थी बात इसकी। अब हम चलते हैं, इसका ड्राइव शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स गो फॉर द ड्राइव। और ये मैनुअल होने की वजह से ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा आता है। सो नाउ लेट्स गो। सो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड, काफ़ी स्मूथ इंजन है एंड उसके अलावा हर गियर में आप जो पावर डिलीवरी मिलेगी आपको
उससे मज़ा आ जाएगा। और गियर रेशो काफ़ी अच्छा है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, अभी जैसे फिफ्थ गियर मैंने अप्लाई किया था ऑलमोस्ट 90-95 की स्पीड के आसपास, तो हर गियर में काफ़ी अच्छी आपको स्पीड मिलती है, काफ़ी अच्छा आपको पावर डिलीवरी मिलती है। NVH लेवल्स बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल है, आप जब बहुत ज़्यादा रेव करेंगे तब थोड़ी अंदर आवाज़ आ सकती है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे हम नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब RPM 2000 के अंदर है, तो आप देखिए कोई आवाज़ नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, और वाइब्रेशन तो खैर हाई स्पीड पे भी नहीं मिलेंगे, जब आप हाई रेव करेंगे तब थोड़ी इंजन की आवाज़ अंदर आ सकती है, बाकी वाइब्रेशंस तो ना के बराबर हैं। सो इंजन अप टू द मार्क है, एंड Hyundai का यार इंजन काफ़ी शानदार है। अभी इससे पहले हमने N लाइन का रिव्यू किया था, N लाइन में तो टर्बो इंजन है तो उसकी बात और अलग है। अभी आ चुके हैं स्पीड ब्रेकर, तो थोड़ी सी सस्पेंशन की बात भी हो जाएगी। सो सस्पेंशन यहाँ पे आपको सॉफ्ट एंड स्टिफ का कॉम्बिनेशन मिलता है, सो सॉफ्टर सस्पेंशन है वो आपको छोटे मोटे खड्डों में कंफर्ट देंगे, एंड स्टिफनेस थोड़ी बहुत है वो आपको हाईवे पे हेल्प करेगी, जब आपकी गाड़ी चलेगी तो एक अच्छे कंट्रोलिंग मैनर में गाड़ी चलेगी स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट एंड स्टिफ सस्पेंशन का i20 में। ये थी बात इसकी, इसका स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो फेसलिफ्ट में छोटा मोटा चेंज किया है स्टेयरिंग भी, इसका डिज़ाइन चेंज किया है। फीडबैक की बात करें तो ठीक ठाक फीडबैक आपको मिलता है, मतलब जब आप हाई स्पीड पे इसको चलाएंगे तो एकदम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, सो ठीक ठाक इसका फीडबैक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी आपके पास है एज दिस इज़ द टॉप वेरिएंट। उसके अलावा यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। प्रीमियमनेस मिलती है इसके अंदर, लेदरेट फिनिश है तो ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सो ये थी बात इसके स्टीयरिंग की। अब हम बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स है इसका, क्लच काफ़ी लाइट है और गियर शिफ्टिंग बहुत इजी है, जिसका गियर लीवर है उसमें आप देख सकते हैं कितना इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम इसका एक बार यू टर्न लेके देखते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा इसका टर्निंग रेडियस के बारे में पता चलेगा। सो यू टर्न ले लेते हैं, सो टर्निंग रेडियस अच्छा है, मतलब छोटा टर्निंग रेडियस है तो इजीली आप गाड़ी को घुमा सकते हैं। स्टीयरिंग वापस से बीच में नहीं आता, इसका भी थोड़ी सी एक ये दिक्कत मुझे लगी इसमें, तो ये है कुछ कुछ गाड़ियों में, मारुति की भी कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि स्टीयरिंग वापस लौट के अपनी जगह पर नहीं आता है, सो वो एक बात है। तो गेयरबॉक्स की बात कर रहे थे हम, गेयरबॉक्स ईजी शिफ्टिंग है और मैनुअल गेयरबॉक्स का मज़ा अलग है, क्योंकि ये इंजन आपको फ़न टू ड्राइव वाला फील देगा अगर आप इसको मैनुअल पे चलाएंगे तो। परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी और लीनियर परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगी, आप सेकंड गियर की बात करिए, थर्ड गियर की, फोर्थ गियर की, फिफ्थ गियर की, आपको एक अच्छी लीनियर परफॉर्मेंस इससे मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में, सो परफॉर्मेंस अच्छी है तो ब्रेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। सो अभी थोड़ी सी रोड खाली है, हम इसको चला रहे हैं अभी 65 के अराउंड, थोड़ी सी ब्रेकिंग अप्लाई करके देखते हैं। सो इंस्टेंट ब्रेकिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब जब आप थोड़ी स्पीड में हैं, मान लीजिए 80-100 की स्पीड पे हैं, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने पड़ रहे हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हैं। और ABS, EBD ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल ही रही हैं, तो उससे गाड़ी की कंट्रोलिंग भी अच्छी हो जाएगी। स्टिफ सस्पेंशन है तो ज़्यादा बॉडी रोल भी नहीं होगा, वो सब चीज़ें हैं। इंटीरियर की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट फिनिश में है, मतलब डुअल टोन इंटीरियर है, हालांकि एरी फील होता है इंटीरियर, क्योंकि यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिल जाती है, इसको ओपन कर देते हैं। सो अभी आप देखिए, अच्छा एक यहाँ पे खुला खुला इंटीरियर लग रहा है, इसमें एरी फील होगा ज़्यादा, आपको सफोकेशन नहीं होगा, विंडो एरिया काफ़ी अच्छा है और डुअल टोन है ब्लैक एंड वाइट, तो ऐसा भी नहीं लगता है कि छोटा इंटीरियर है, सो वो एक बात है। उसके अलावा प्रीमियमनेस की कोई कमी नहीं है, सभी चीज़ें प्रीमियम आपको मिल रही हैं, बोस का म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, सी टाइप है, USB है, 12 वोल्ट है, सभी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है, तो आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। आपकी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रीमियम हैचबैक कार है, इसको अगर मैं
ओवरऑल इसका रिव्यू करूं, ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें तो इसकी ड्राइव अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, इंजन अच्छा है, सभी चीज़ें ओवरऑल अच्छी हैं। एंड अगर एक वर्ड यूज़ करूं तो प्रीमियम हैचबैक। इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, इस प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो एक प्रीमियम हैचबैक आपको मिल रही है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इसकी सेगमेंट में बलिनो आती है मारुति की, उसके अलावा टाटा की एल्ट्रोज आती है। बस वहाँ पे आपको जैसे एल्ट्रोज में थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट वहाँ पे वो प्रीमियम टच नहीं मिलता है, और स्विफ्ट में ना तो प्रीमियम टच मिलेगा आपको, सॉरी बलिनो में ना तो आपको इतना ज़्यादा प्रीमियम टच मिलेगा, ना उसमें थोड़ी बिल्ड क्वालिटी भी ऐसे ये सोसो है, बराबर है। तो i20 एक अट्रैक्टिव बाय है, इस सेगमेंट में आपको एक अट्रैक्टिव हैचबैक मिलती है। आप इसको लेके निकलेंगे तो एक बार को तो मतलब नज़र पड़ ही जाएगी कि हाँ यार ये कोई हैचबैक जा रही है। सो आप इसको इसीलिए कंसीडर कर सकते हैं इस सेगमेंट में। प्राइस पॉइंट की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको ये ऑफ़र हो रही है। एंड इसमें अगर आपको और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप i20 N लाइन पे जा सकते हैं, वहाँ आपको टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता है। सो अब हम बात करते हैं इसके वर्डिक्ट के बारे में। सो अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, शुड यू गो फॉर i20 फेसलिफ्ट और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पे आपको i20 का काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिफाइंड, स्मूथ पेट्रोल इंजन मिलता है। उसमें आपको पावर एंड टॉर्क भी भरपूर मिलता है, जिससे कि आपको मतलब गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। सो फन टू ड्राइव ये कार है। उसके अलावा इसमें आपको सारे प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि बोस का म्यूज़िक सिस्टम है, सनरूफ आपको इसमें मिल रही है, एंड यहाँ पे एलॉय व्हील्स हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो ओवरऑल एक प्रीमियम हैचबैक आपको लगती है इस सेगमेंट को अगर कंसीडर करें। एंड इसके राइवल्स की अगर बात करें तो मारुति में है बलिनो, टाटा एल्ट्रोज आपको मिलती है। सो उनमें वो बात नहीं है जो i20 में है। i20 में एक एग्रेसिव फील मिलता है, स्पोर्टियर फील मिलता है, और इसी की वजह से ये स्टैंड आउट करती है। कभी भी मार्केट से आप निकलेंगे तो i20 अगर आपके पास होगी तो ज़रूर मतलब आप एक बार को तो नज़र में आएंगे कि यार ये बढ़िया गाड़ी है। बलिनो और ये बिल्कुल कॉमन हो चुकी हैं, वैसे लोग कंसीडर कर रहे हैं उनको, वहाँ पे भी आपको मारुति का अच्छा इंजन मिलता है, रिफाइंड इंजन है, वहाँ पे माइलेज अच्छा है। बट यहाँ पे जो स्पोर्टियर फील है, तो जिनको स्पोर्टी कार लेनी है, जिनको एग्रेसिव फील चाहिए, चलाने में मज़ा चाहिए, प्रीमियम फीचर्स चाहिए, सो i20 फेसलिफ्ट उन लोगों के लिए हैं। तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा आप इसका टेस्ट ड्राइव करिए एंड उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है वो लीजिए। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट i20 फेसलिफ्ट। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।